अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। वेलकम वेलकम माय डियर। प्रणाम दादाजी। साष्टांग प्रणाम। अरे उठो बेटा उठो। सुस्वागतम। धन्यवाद। अरे वाह बेटे, क्या ऊंचाई पाई है तुमने। मैं तो उछलकर भी तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। हवाई जहाज का सफर कैसा रहा? जो मनुष्य एक दिन अग्नि में जल जाएगा, जलकर मिट्टी में मिल जाएगा, मिलकर हवा में उड़ जाएगा फ्लाइट 707 पे, उस मनुष्य से क्या पूछना कि उसका सफर कैसा रहा। अरे वाह वाह, बड़े ऊंचे ख्याल है तुम्हारे बेटे। धन्यवाद धन्यवाद। भगवान करे रहती दुनिया तक आप सलामत रहें, आपकी सलामती की छत्र छाया में मुझ जैसे मामूली लोग भी सलामत रहें। अरे वाह वाह, क्या कहा बेटे तुमने। बेटी बहुत अच्छा दामाद ढूंढ के लाई हो। हालांकि मेरी समझ में कुछ नहीं आने, क्या कहा, लेकिन बोलता है तो ऐसा मालूम पड़ता मुंह से फूल झड़ रहे। मैं तो खुद नीचे कहां बैठ गया बेटे, ऊपर बैठो मेरे बराबर। बेटी नहीं नहीं, आपके बराबर बैठकर आपकी बराबरी करके आपके बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो वो बैठता है जो बराबर होता है। जो बराबर नहीं उसे आपके बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बेटा ये बराबर और बराबरी के बारे में तुमने क्या कहा, मैं बराबर समझा नहीं। समझ में ना आए तो ही बराबर है। क्यों, बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो फिर आओ बैठो मेरे बराबर। लेकिन ठीक ही तो कहता है बेटी, पति नीचे बैठा है और पत्नी ऊपर, ये अच्छा नहीं लगता। ये आपके दामाद हैं, इनको तो ऊपर बैठने कहिए। अरे हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा जी, तुम दामाद हो, तुम ऊपर बैठो। जैसी आपकी आज्ञा। तुम वही बैठे रहो बेटी। अरे वाह बेटा, मैं तो समझता था तुम फॉरेन से आए हो, बिल्कुल अंग्रेज बन गए होगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम पर वहां का कोई असर नहीं हुआ। कमल कीचड़ में रहे तो क्या कीचड़ का असर उस पे पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। आचार्य धीश का कहना है कि मनुष्य को मक्खन में बाल की तरह है, समुद्र में जाल की तरह है, और युद्ध में ढाल की तरह रहना चाहिए। तालियां। बेटे ये तालियां किस लिए, ये घर है, थिएटर का स्टेज नहीं। दादाजी, विश्व विख्यात अभियंकार स्वर्गीय नाटककार शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया एक स्टेज है, जिंदगी उसका ड्रामा है, इंसान केवल नाम मात्र एक्टर है, और मौत उसका पर्दा है। सचमुच ऐसा कहा है? हाँ। तालियां, जोर से तालियां। भाई हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। आइसक्रीम की तरह। लेकिन दादाजी, कुछ लोग हमारी आइसक्रीम पिघलाने के चक्कर में हैं। कौन 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 कौन? तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे लोग जो दुनिया को पिघलाते हैं, जलते हुए को और जलाते हैं, जमने वाले को भगाते हैं, भाड़े के टट्टू लाते हैं। भाड़े का टट्टू? जी। कौन भाड़े का टट्टू? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अरे तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हारा कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। जी बेटा, हम चाहते हैं मेरा सारा कारोबार, सारी दौलत अपने हाथ में ले लो और मुझे आराम करने दो। मगर इतनी जल्दी क्या है दादाजी? जल्दी है बेटी, इस जिंदगी का क्या भरोसा, ये तो चिराग है जिसमें तेल कम होता जा रहा है, कभी भी बुझ सकता है। नहीं बुझ सकता दादाजी, हम अपनी जिंदगी का तेल आपके कटोरे में डाल देंगे लेकिन चिराग नहीं बुझने देंगे। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। रहसा, रहसा, आपकी दवाई का वक्त हो रहा है। आपकी तारीफ? ये हमारी फैमिली लेडी डॉक्टर है। ओहो समझ गया, हम दो हमारे दो तीसरा कभी ना हो, पत्नी से भैया दूर रहो कितनी भी अड़चन हो। ताली बजा। नहीं 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 नहीं, रिहर्सल में इतनी तालियां नहीं बजनी चाहिए दादाजी, पहले शो तो हो जाने दीजिए, उसके बाद तालियां ही तालियां। कैसा रिहर्सल, कौन सा शो? सुनिए, आज बातें बहुत हो चुकी, आपको आराम करना चाहिए। अरे हाँ बेटी, दामाद का ख्याल रखना, इन्हें कमरे में ले जाओ, आराम करने दो। चलिए मैं जाता हूँ बेटे। अच्छा चलिए, आप करें आराम, हम करें विश्राम। आम के आम, गुठलियों के धाम। क्यों, कैसा लगा हमारा ड्रामे का पहला सीन? बंडल।
मंडल तो चलेंगे संडल। तुम तो बिल्कुल थिएटरकल अंदाज में बातें कर रहे थे, जैसे कि नाटक में काम कर रहे हो। तुम क्या नेचुरल एक्टिंग नहीं कर सकते? नेचुरल यानी कि स्वाभाविक। कामेश्वरी कमरे में चलो, अभी दिखाता हूँ। उठा दे पता, दिखा दे जलवा, बूंदी के लड्डू, गाजर का हलवा। अम्मा, अम्मा।